नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक की सजा पर लिखा जा रहा है फैसला। एनआईए ने मांगी फांसी की सजा। पुणे से आतंकियों की भर्ती करने वाला एजेंट जुनेद गिरफ्तार। एटीएस ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं से संपर्क में होने की बात कही। जम्मू कश्मीर में बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को ढेर किया। एक पुलिसकर्मी की भी शहीद होने की जानकारी। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के खिलाफ एक्शन की मांग। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का भारत के खिलाफ नया ऑपरेशन शेरनी। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए 300 महिला एजेंट की भर्ती की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ज्ञानवापी मामले में नई याचिका पर 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। विश्व वैदिक सनातन संस्था ने रोजाना दर्शन और पूजन की मांग की। कर्नाटक के मंगलुरु में जुमा मस्जिद पर विवाद। VHP और बजरंग दल का मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा। मस्जिद के बाहर की पूजा विवाद बढ़ने के बाद धारा 144 लागू। मथुरा विवाद मामले में जिला अदालत में सुनवाई चली। 31 मई को अगली सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास से ईदगाह हटाने की मांग। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। फिलहाल अर्जी स्वीकार नहीं हुई। 1 जून से शुरू होगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण। सीएम योगी गर्भगृह की बुनियाद रखेंगे। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजने की चर्चा पर राजस्थान कांग्रेस में तकरार। जयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने लगाई थी नाम पर मुहर। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए निर्दलीय नामांकन किया। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। शिवपाल यादव ने विधानसभा में सीट बदलने की मांग की। विधानसभा स्पीकर को खत लिखा। कोर्ट सम्मेलन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। पीएम आवास में हुई कैबिनेट की बैठक। जल्द सस्ते होंगे खाद्य तेल के दाम। मोदी सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 2 साल के लिए शुल्क हटाया। खेती पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस भी हटाया गया। मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को काबू में करने के लिए 1 जून से निर्यात को नियंत्रित किया जाएगा। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट कल पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। यूपी के सीएम योगी ने विधानसभा में वन नेशन वन कार्ड की तारीफ की। बोले मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। सीएम योगी ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में दिवंगतों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत के निर्देश दिए। जातीय जनगणना के पक्ष में उतरे SP अध्यक्ष अखिलेश यादव। विधानसभा में सरकार को घेरा। चुनाव प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की पहल। अधिकारियों से 31 मई तक 3 सुझाव देने को कहा। बिहार में अब 27 मई की जगह 1 जून को होगी जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना पर JDU के साथ RJD। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कल शपथ लेंगे। राजनिवास में 11 बजे शपथ होगी। दिल्ली के नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में MCV का बुलडोजर चला। कई दुकानों में अवैध निर्माण का हिस्सा गिराया गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार का फैसला। अब ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में पंजाबी योग्यता टेस्ट पास करना जरूरी। दिल्ली में जल्द शाम 5 से 7 बजे के बीच ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी। शकूर बस्ती, मयूर विहार और विश्वास नगर से शुरुआत होगी। केदारनाथ में पैदल बारिश की वजह से श्रद्धालु परेशान हैं। पैदल चलने वाले रास्ते पर भारी भीड़ जमा हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनके ऊपर 18 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।
श्रीनगर में आतंकियों ने घर में घुसकर पुलिसकर्मी की हत्या की। 7 साल की बेटी की गोली लगने से उसकी हालत गंभीर। चेन्नई में बीजेपी के SC/ST विंग के जिला अध्यक्ष बालाचंद्रन की गोली मारकर हत्या। आरोपियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। रांची में निलंबित IAS पूजा सिंगल की मुश्किलें बढ़ी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। SSP भर्ती घोटाले में CBI दफ्तर में फिर हाजिर हुए TMC नेता पार्थ चटर्जी। शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप। भोपाल में CM शिवराज चौहान ने आंगनबाड़ियों के खिलौने इकट्ठा किए। अभिनेता अक्षय कुमार भी मदद को आगे आए। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने पर बवाल। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में साधु की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे विरार इलाके की ज्वेलरी शॉप में हथियार के बल पर लूट कोशिश नाकाम हुई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मुंबई के माहिम रेलवे स्टेशन के पास महिला का शव मिला। हत्या के आरोप में दोस्त गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में सरकारी जमीन पर बने 17 मकानों को बुलडोजर से गिराया गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक दुकान के बाहर अंधाधुंध फायरिंग। एक दिन पहले कारोबारी से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाहर पुजारी के बेटे की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 नाबालिग शार्प शूटर गिरफ्तार। गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता की हत्या के इरादे से आए थे। हथियार बरामद हुए। दिल्ली के रणहौला में सुपारी देकर पति की हत्या का आरोप। पत्नी और उसका साथी गिरफ्तार। ओडिशा के गंजम जिले में पश्चिम बंगाल की टूरिस्ट बस पलटने से हादसा हुआ। 6 पर्यटकों की मौत। 40 से ज्यादा जख्मी। देश में कोरोना के 2124 नए मरीज सामने आए। संक्रमण से 24 घंटे में 17 लोगों की जान गई। SpiceJet एयरलाइन की वेबसाइट पर साइबर हमला। लोगों को टिकट बुक कराने में दिक्कत आ रही है। अमेरिका के टेक्सास के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग। 18 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। हमलावर मौके पर मारा गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। इस्लामाबाद में इमरान खान की रैली से पहले हंगामा। इमरान के समर्थकों की पुलिस से झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जापान के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। कहा नॉर्थ कोरिया ने जापान की समुद्री सीमा की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है। तो आइए अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से युद्ध जारी है उस युद्ध की। दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देने